बिरहा ऐसा गावे जात है के बिरहा में वीर रस करुण रस दोनों रस मिलेगा। अब तो राजनीतिक लवारी को लगा देश में भाई भाई को दुश्मन बनाया गया बेसहारों का गुलशन जला घर चमन अपने हाथ अपने घर में दिवाली मनाया गया आजादी दे गांधी स्वर्ग को गए बह रहा है धरा परी लहू बन के पानी हो खड़ा रोंगटे आह भरता जिगर बह रहा हमारे बिरहा में एक लाइन गजल बा अब गजल हमारे गुरु जी वाली अब अभी बड़ी सुंदर लाइन बा का जहां आदमी जहाँ आदमी बिकाला उपजार ना कहाला सुंदर बका तो राजनीति के पुजारी देखिए आज के राजनीति करने वालों में और पहले के राजनीतिज्ञों में क्या अंतर था मास्टर राजनीति के पुजारी ये वतन को बेच देंगे अरे राजनीति के ये वतन
राजनीति के पुजारी ये वतन को बेच देंगे। वतन हमारा बिक रहा है, वतन बिक रहा है, क्या नहीं बिक गया, रेल बिक गया, जहाज बिक गई, देश बिक रहा है, विदेशी खरीद रहे हैं, कंपनियां प्राइवेट होती जा रही है, सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सब कॉन्ट्रैक्ट पर हो जाएगा सिस्टम, फिर से गुलामी आ जाएगी। ए भैया पैसा ले ले, मौका मिला अगर तो ये घात लगाए बैठे हैं, मौका मिला अगर तो ये कफन भी नहीं छोड़ेंगे, बस मौका मिल जाए। कहानी की शुरुआत नजम कलाई भैया, पहले क्या राजा पैदा हो तेरा जी बेटी से, पहले क्या राजा पैदा हो तेरा जी बेटी से, आज के राजा पैदा हो के मत की बेटी से। पहले राजा कैसे बने, जवन राजा को बेटवा रहा है वो चाहे पागल रहे चाहे जैसे रहे, पपौती चलत रही, राजा के बेटवा राजा होत रहा। मगर आज धन है भीम राव अम्बेडकर, ऐसा कानून लगाया, ऐसा नियम लगाया, जगह ये चेंज कर दे। वाकई में पहले राजा का बेटा राजा होता था बाबू, मगर आज के राजा आप पैदा करते हो, आपके मतदान से राजा पैदा होता है। आज के राजा पैदा होते मत की बेटी से, बेटी से पहले राजाओं की रीत और नीत रही, पहले राजाओं की रीत और नीत रही, अपनी जनता से आजाद प्रेम प्रीत रही। आज क्या राजा जीते शान और शोहरत में, आज क्या राजा जीते शान और शोहरत में, कराहती जनता है आवाज भरी नफरत में। आज के राजाओं से कोई लेना देना नहीं है जनता से, उनका कुर्ता टाइट रहे, किरीच ना बिगड़े, एरोप्लेन में घूमे, देश दुनिया से मतलब नहीं है। हमारे देश का राजा जो है वो जो कुर्ता पहनता है 15 लाख का होता है, जो हमारे देश का राजा है उसके एक कुर्ते की कीमत 15 लाख है, और एक सदरी की कीमत 4.5 करोड़ रुपया है, और जो सदरी में पेन रखता है, ध्यान देना हमारे देश का राजा हम सब का राजा है, सदरी में जो पेन रखता है उस पेन की कीमत है 1,30,000 रुपया, समझ लीजिए 1.5 लाख की पेन, 15 लाख का कुर्ता, 4.5 करोड़ की सदरी, बाप रे बाप। अभी तक 4.5 करोड़ नहीं देखे है भैया, 4.5 करोड़ कपड़ा जिंदगी भर में पहन पाओगे भैया, का करे प्रधानमंत्री बने, मंत्री है नो सब राजा नहीं है, तो का करे शौक पूरा हो पावे, मगर क्या गोधरा कांड हिंदुस्तान को झकझोर दिया, गोधरा कांड हिंदुस्तान को झकझोर दिया, हजारों जिंदगी को रास्ते से मोड़ दिया, अरमान का अरमान दफन हो गया है सीने में, अरमान का अरमान दफन हो गया है सीने में, तनिक भी तो नहीं जहर देवे पीने में। अधिकार है आजादी पर, बचाना होगा देश जा रहा बर्बादी पर,
बा कौने समय का कहानी कहाँ के बा, ये दुर्घटना है ये घटना है, ये कहानी है सन 2002 हाँ कहाँ का गुजरात की। गुजरात के अंदर गोधरा पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा, कोई कोई गए होंगे। गुजरात के अंदर गोधरा आता है और जिस समय ये घटना घटी थी उस समय जहाँ पर मुसलमान ज्यादा थे हिंदू मारे गए, और जहाँ हिंदू ज्यादा थे वहाँ मुसलमान मारे गए। कुल मिलाकर के हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ गए, इंसान इंसानियत को भूल गया। यहाँ तक की पत्रिका में बताया गया, प्रमाण मिला कि गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया था, उनके पेट में छुरा भोंक कर मार दिया गया था। उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था जानते हैं? सन 2002 में वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, और इन्हीं के शासनकाल में ये दुर्घटना घटी थी। और दुर्घटना घटने से 2 घंटे पहले उसी गोधरा में उसी बस्ती में एक परिवार है, मुसलमान परिवार, ये बिरहा गावत है अहिरे को, लेकिन सुनेंगे अगर जकर दिल होई आत्मा होई आंख से आंसू बहे या ना बहे कलेजा जरूर पसीज जाएगा, ये मेरा वादा है। परिवार है, परिवार के मुखिया का नाम हुसैन अली, बेगम का नाम नूर जहां, दूठ लड़िका हुआ, एक बेटी एक बेटा। बेटी का नाम अरमान है, बेटी जवानी की दहलीज पर है। जिस दिन घटना घटने वाली है उसी दिन उसके शादी का दिन है। जैसे ही घर जगमगात हो वैसे ही हुसैन अली का घर चकाचौंध है, जगमगाया है खुशियों से, नात रिश्तेदार जुटे हैं, गांव परोस जुटा है। बेटी का नाम अरमान बताया गया और जो बेटा है छोटा है, बेटे का नाम महफूज अली बताया गया। लेकिन जिस समय ये घटना घटी हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ा बाबू, हुसैन अली के घर में जो खुशी का माहौल था वो मातम में बदल गया। उसके परिवार के कई लोग मार दिए गए, गांव के कई लोग मार दिए गए, इंसान भेड़िया बन गया, इंसान दूसरे की जान लेने लगा। उस समय हुसैन अली अपनी जवान बेटी, अपने बेटे और अपनी बेगम को लेकर भागा है। जब भगदड़ में भागा तो उस भगदड़ में फरा तफरी में मारा मारी में हुसैन अली के जवान बिटिया बिछड़ गया, और जब भगदड़ में बिछड़ल तो हुसैन अली बेगम और बेटे को लेकर दूसरे रास्ते पर जा चला, और बेटी यरमान उसी भगदड़ में ये सोचकर कि मेरा परिवार मेरे पीछे पीछे आ रहा है, यही सोच में वो दूसरा रास्ता पकड़ लेती है और जाते जाते काफी दूर निकल जाती है। जब सांस लेकर पलट कर देखी है बाबू तो सन्नाटा पसरा है, चारों तरफ सन्नाटा है, सड़के सुनसान है। अरमान कलेजे को थाम लेती है, या अल्लाह या मेरे मौला, मेरा परिवार तो मेरे पीछे है ही नहीं, मैं कब से अकेले ही दौड़ रही हूँ। बैठ जाती है, सर पकड़ कर रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरा परिवार भी नहीं है, अगर मैं लौट कर वापस जाती हूँ तो या तो मेरी जान जाएगी या तो मेरी आबरू जाएगी। मेरी जान जाएगी मंजूर है पर मैं आबरू नहीं गवा सकती। बाहर लड़की अरमान वो पलटती नहीं है बाबू, कलेजे पर पत्थर रख करके उसी रास्ते को पकड़ कर चली है। रोते सी सकते आधी रात का वक्त हो गया है, मास्टर तर्ज लगा था। तर्ज के जाएगा, भाव पर गौर करेंगे क्या,
चल को हराम गुजरा तू गुजरा नाम से हेलो मचल को हराम गुजरा तू गुजरा नाम से मचल को हराम गुजरा तू गुजरा नाम से गुजरात गुजरा नाम से केतने परही में मरई में केतने जान से किस्मत का लेखा कोई नहीं मिट सकता। कहते हैं कि किस्मत का लिखा हुआ ब्रह्मा भी नहीं मिटा सके थे। आज अरमान भागते भागते बाबू जो गुजरात गए होंगे, गुजरात के अंदर वापी आता है, वापी स्टेशन पहुंची है। वापी स्टेशन पर और जब ही स्टेशन पर पहुंची रात बीत चुकी थी, सवेरा हो गया। स्टेशन पर देखती है प्लेटफार्म पर एक ट्रेन लगी हुई है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, संतुलन ठीक नहीं है, परिवार बिछड़ गया है, रो रही है, कुछ समझ में नहीं आया। जा करके ट्रेन की बोगी में बैठ गई और जब ट्रेन की बोगी में बैठ गई बाबू बार किस्मत उसी समय ट्रेन खुल जाती है। और जब ट्रेन खुलल बा ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाई है, ट्रेन चली अपनी मंजिल पर। लेकिन उस मासूम अरमान को ये नहीं पता कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी और मैं कहाँ जाऊंगी। बाबूजी पत्रिका में प्रमाण मिला, दो दिन के बाद वो ट्रेन रुकते रुकाते रुकी कहाँ, जम्मू स्टेशन के प्लेटफार्म पर। बोगी खाली हो गई, यात्री उतर गए। अरमान बाहर निकल कर देखी ट्रेन खाली है, कोई नहीं है। विचार कर गई मुझे भी उतर जाना चाहिए। धीरे से उतरी है, चारों तरफ चहल पहल है, नजर मार रही है, सारा संसार दिख रहा है, बस उसका ना तो बाप दिखाई दे रहा है, ना माँ दिखाई दे रही है, ना भाई दिख रहा है। स्टेशन पर उतर करके बेंच पर सिर रख करके रो रही है, या अल्लाह मैं अनजाने शहर में तो आ गई लेकिन किसके यहाँ जाऊँ, किससे सहारा मांगू। अरमान जी करे सामने हाथ जोड़े, बाबू हम अपने परिवार से बिछड़ गई नहीं, हमके दो दिन अपने घर में रहे दा तो लोग मजाक उड़ाते और उसको बड़ी दूसरी नजर से देखते थे। विचार कर गई लगता है मेरे नसीब में जिंदगी नहीं लिखी है, जीना नहीं लिखा है, जीना नहीं लिखा तो क्या हुआ, मर तो सकती हूँ। उसी जम्मू प्लेटफार्म पर एक ट्रेन चली आ रही है, आखिरी निर्णय लेती है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, इसी ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊंगी, कम से कम आबरू सही सलामत बची रहेगी, खुदा को तो मुंह दिखा पाऊंगी। यही सोचकर बाबू जो ही ट्रेन पहुंचने वाली है दौड़ कर गई, छलांग लगाई है, लेकिन गिरने ही वाली है कि तब तक एक नौजवान उसकी कलाई को पकड़ कर अपनी तरफ खींचा है और खींच करके दो तमाचा अरमान के गाल पर मारा है। जब दो तमाचा गाल पर अरमान के पड़े तो झनझना गई लड़की, डर गई लड़की, कांपने लगी। कुछ देर तो सन्न खींच कर खड़ी हो गई, उसके बाद जब दिमाग सही हुआ सामने देखती है हट्टा कट्टा छह फीटा नौजवान गोरा अंगार
फौज के वर्दी में, फौजी की वर्दी में खड़ा है। डांट कर बोली, तुम होते कौन है मुझे बचाने वाले? तुम्हारा क्या हक पड़ता है कि तुमने मुझे बचाया? शरीर मेरी है, जिंदगी मेरी है, मैं मरूं या जीऊं, तुम होते कौन हो मुझे बचाने वाले? डांट कर नौजवान बोला, हे लड़की, तू सुंदर है, तू सुशील है, तू लड़की है, मैंने तुझे इसलिए नहीं बचाया। एक फौजी का पहला कर्तव्य होता है कि अपने वतन के नागरिकों की रक्षा कर सके। तू भी उन्हीं नागरिक में आती है, इसलिए मैंने तेरी जान बचाई। मनोज, उस जवान का नाम क्या हो? उस जवान का नाम है मनोज कुमार यादव, वैशाली जिला पूर्वी बिहार का रहने वाला था। मनोज यादव का मेरा नाम मनोज है, जात को ही रही, फौजी में जवान है। ऐ लड़की, क्या तुझे नहीं पता जान देना पाप है? क्यों मरना चाहती है? क्या बात है? तब तक लड़कियां विचार करत बा कि एकी फौजी जवान बा, ऐसे हमके खतरा नहीं बा। दौड़ कर फौजी के पैर पर गिरी है और सिसक सिसक कर रोने लगी। कलेजे को थाम कर एक बात कही है, क्या मास्टर? यह बात कलश यहीं से कहानी दर्दनाक होती जाएगी, कहानी मोड़ने लगी। भैया आदरणीय मानिक चंद्र ग्राम प्रधान जी, 50 रुपए का आशीर्वाद सम्मान का। रोकर लड़की कही है, ए भौजी साहब, कोई सहले जान नहीं देता है, सुनिए क्या। फौजी सिपाही जी, फौजी बा फौजी सिपाही जी, फौजी सिपाही जी, काहे लियाला हमारा के तू बचाए? फौजी दरवाजे पर हम आप दूर दराज से लोग आए, उस परिवार की तरफ से, बड़े भैया की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत सम्मान का। स्टेशन पर जितने लोग थे सब टिकट लेना भूल गए, दौड़ कर आए, लड़की को घेर लेते हैं। उसकी बात सुनते हैं, भैया ये हाउ कैसा लड़की है, हाउ फौजिया को गुड़वा पकड़ के रोवत बा, चला एक बार चल के देख लिया जाए का मैटर पर। लड़की फौजी का गोल पकड़ कर कही, साहब मेरा भी परिवार था, मेरे भी खुशियां थी, लेकिन सब तबाह हो गई। फौजी ने कहा, वहां कैसे? तो लड़की कही, कहा
बड़े भैया गुजरा तलंदर गोधरा तांड से मचल तबाही छीड़ल तब हिलल मानवता सारी की फौजी सिपाही अरे फौजी सिपाही जी काहे लिहला हमारा के तू बचा फौजी सिपाही जी साहब अखबार पढ़ले होबा न्यूज पे सुनले होबा गुजरात में गोधरा हो गोधरा के हादसे में मेरा परिवार बिछड़ गया मैं यहाँ आ गई आप बताइए मैं किससे कहूँ कि मुझे रख लीजिए मुझे एक आध महीने रहने दीजिए जिसके आगे झोली फैलाती हूँ वो हवस की नजरों से देखता है आज का जमाना ऐसा है कोई बड़ी जात वाला किसी गरीब की बेटी को बहन नहीं कहना चाहता है अरे हम बड़कवा है मुशाहरा की बिटिया हमारे बहन बनी चमारे की बिटिया बहन बनी पासी की बिटिया बहन बनी कहबो करियो तो मोहे से ऊपर से दिल से नहीं कहते हैं अरे मेरे साथियों लड़की ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया अपनी आबरू बचाने के लिए परिवार तो बिछड़ ही चुका था जान देने जा रही थी नौजवान बोला रे पागल पागल मत बन जान देना पाप है इस दुनिया में सभी अकेले आए हैं अकेले जाएंगे कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा एक काम कर तेरी आबरू और तेरी जान की हिफाजत आज से ये मनोज यादव करेगा लेकिन मैं ड्यूटी पर हूँ तेरे पीछे पीछे नहीं घूम सकता तुझे मेरे साथ चलना होगा मेरे कैंप में पुरनियन का एक कहावत और बा कि मरता क्या ना करता आंसू पोछलस विचार कैलस इज्जत जान गवावे से भल बा कि हम फौजिया के साथे चली जाई आगे आगे मनोज यादव चला पीछे पीछे अरमान ले गया बैरिक में जबकि फौजियों के बैरिक में महिलाओं के लिए गेट पर नो एंट्री का बोर्ड पहले से लगा रहता है महिलाओं के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रहता है लेकिन वो जवान ड्यूटी की भी चिंता नहीं किया नौकरी की चिंता नहीं किया नौकरी को दांव पर लगा कर ले गया बैरिक में रखा दो दिन बीत गया तीसरे दिन किसी ने जा करके कर्नल को खबर कर दिया सर आप तो कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन मनोज यादव एक लड़की लेकर आया है आज तीसरा दिन है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सब कुछ हो जाएगा तो कहिएगा मत कि खबर नहीं मिला अब कर्नल साहब मोछा टाइट कहिए ये मजाल मनोज यादव की जानता है कि बैरिक में महिलाओं का आना वर्जित है महिलाओं का आना मना है जानते हुए भी लड़की को लाकर रखा है अरे यार क्या बताऊं एक तो स्वयं अनमैरिड है और अनमैरिड लड़की को लाकर रखा है अब क्या किया जाए अच्छा सुनो तुम जाकर मनोज यादव से कह दो कि कर्नल साहब ने फौरन तुम्हें याद किया है और लड़की को लेकर आए अब मनोज यादव डर तो रहा है लेकिन कोई चोरी तो किया नहीं है तांड कर सीना लेकर लड़की को पहुंच गया ऑफिस पर भीतर गया सर आपने बुलाया हाँ मनोज मैं क्या सुन रहा हूँ कोई लड़की लाकर बैरिक में रखा है शॉर्टकट में जवाब दिया सर वो लड़की गोधरा की मारी है जान देने जा रही थी मुझे दया आ गई मैंने उसकी आबरू और जान बचाने की वादा कर दिया सर उसका परिवार बिछड़ गया है मुझे कुछ समझ में नहीं आया कर्नल साहब का अच्छा तुमने देश का ठेका ले रखा है तब तो जवान बोला सर
हम फौजी हैं, देश का ठेका हम नहीं लेंगे तो क्या आम नागरिक लेगा। तब तक कर्नल साहब का दिमाग ठनकल ठीक बोला था, अच्छा ठीक है जाओ लड़की को भेजो। लड़की भी तरे हाथ जोड़ ले खड़ी हो। कर्नल साहब को क्या नाम है, क्या नाम है? अरमान नाम है सर। कहाँ की हो? गुजरात गोधरा की। क्या मामला है, कैसे? सर हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ा, उस भगदड़ में मेरा परिवार बिछड़ गया, मेरी शादी बिगड़ गई, जीवन साथी बिछड़ गया, भाई बिछड़ गया, माँ बिछड़ गई, बाप बिछड़ गया। मैं समय की मारी आपके जम्मू में आ गई, स्टेशन पर जान देने जा रही थी प्लेटफार्म पर। वो तो धन है मनोज साहब, मेरी जान बचाई, वादा कर दिए तेरी आबरू जान की हिफाजत करूंगा। जिस दिन तेरा परिवार मिल जाएगा तुझे तेरे परिवार को सौंप दिया जाएगा। तब तक कर्नल का दिमाग देखो तनाक से कहां पहुंचल। अब कर्नल का करो, वहां से वहां जाए, वहां से यहाँ आवा, लग रहा चक्कर लगा हुआ, आवत होगा जात होगा। अब लड़की खड़ी है, सोचा तो कुछ गड़बड़ बोल दिया का। अब कर्नल साहब विचार करना यार, इहो वन मैरिड हो, लड़कियों वन मैरिड बा, तो फरक का बा, फरक ये बा कि हिंदू बा और लड़की मुसलमान बा। अगर क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा। कर्नल साहब मोछा इठट हुआ, अब दिमाग भिड़ा मत हुआ यार। अगर इन दोनों की शादी करा दी जाए, खुदा भी बड़ा खुश हो। कर्नल साहब कला है अरमान, आज से तू अकेला अपने आप को मत समझना, आज से तेरे धर्म का पिता मैं हूँ, तू मेरी बेटी है, तुझे कैंप में रहने की जरूरत नहीं है, तू मेरे परिवार के साथ मेरे सरकारी क्वार्टर में रहेगी। ये बेटी सुन। अब कर्नल साहब डराए लगलन कि नहीं आई दही तो गड़बड़ाई जाए। अच्छा सुनो वरमान, क्या तुम मनोज यादव से शादी करोगी? क्या बोले सर, फिर बोलिए। तुमने जो सुना मैंने वही कहा। क्या मनोज यादव तुम्हें पसंद करेगा तो तुम उसे पसंद करोगी? अब तक अरमान कर्नल साहब को गुड़वे पकड़लस और रोवे लगल बाबू, और रोए के कहा था मास्टर का अरमान रोकर कही है किस्मत के पार लहाई, किस्मत के पार लहाई, किस्मत के पार लहाई, केहू ना सहारा वाए साहब, किस्मत के पार लहाई, के होना सहारवाए साहब, ओ नहीं से पूछियो नकर, ओ नहीं से पूछियो नकर, काबा बिचारवाए साहब, साहब हमसे का पूछे थे। मनोज यादव से पूछा काहे कि हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, पता नहीं अपनाएंगे कि नहीं। अगर वो हिंदू होकर मुझे अपनाते हैं तो मैं अपना नसीब समझूंगी, शादी कर लूंगी हुजूर। कश्ती डूबा न रहे मोर बीच धारा, सहारा कैले दई के सहारा कैले कसूती किनारा,
मंगिया उधारी मांगे, मंगिया उधारी मांगे, हमारे कर्नल साहब कहले तुम बाहर जाओ, अब एक मिनट के लिए मनोज यादव को भेजो, लड़की बाहर मनोज यादव अंदर। कर्नल साहब खड़ा होगा, बोछा टेवत होगा, ककौरी में डंडा खोसले होगा। अरे मनोज यार माई सन, मेरे बेटे मनोज बेचारा था, इनके का हो गए आज अंग्रेजी बतिया होता है, अबले तो गरम रहे, वही ठंडा नहीं है, अब वही का वही है। सर क्या हुआ, सर क्या हुआ? ये बेटा कुछ मांगो तो दोगे सर? अब वही तो जेब में पैसा नहीं है तो हम का ले आए कि दे? ए बेटा पैसा वैसा नहीं चाहिए, खाने का नहीं चाहिए, सुन बेटे। अब कर्नल साहब लगला होकर छाती सोहरा हुआ है, ओकर पीठ सोहरा हुआ है, ओकर हाथ पकड़ा है। ये बेटा जिसे कोई सीनियर कहता है माई प्राउड ऑफ यू, माई सन प्राउड ऑफ यू, सीने से लगाता है। अब कर्नल साहब उसे कैसे कहो बात बनावत हो? बेटा सुनो, अरमान अनाथ है, कोई नहीं है, मुझे बड़ी दया आई बेटे। अब लड़का सोचा था आगे पाछे, अब सर जी तो मैं क्या करूं, लाया तो हूँ, अब कुछ आप भी करिए। हाँ मैं करूँगा करूँगा बेटे, मैं सोच रहा था कि क्या सर क्या तुम अरमान से शादी कर लो। अरे इतना सुनते तो छह कदम पीछे का, अरे हुजूर जीवलेवा का, अरे मोर माई हिंदू है, अरे साहब का कहत है, अरे बेटे तू अरमान से शादी कर ले, खुदा भी खुश हो जाएगा। अरे साहब तू हमारे बाबू के बारे में नहीं जानता, बाबू हमार छह भी तक मोछा रखे है, और पक्का नंबर एक तो भक्त है, और ऊपर से एक एक सैलरी जोड़े रहती, वो छोड़ा हम नौकरी का मालिक है, लेकिन पैसा का शारीरिक मालिक हमार बाबू है। और बाबू सुना ही पही कि हम दूसरे धर्म में घुस गए हैं, तो बाबू हमार कहीं नौकरी छोड़ चल बर्धा खोल। साहब जीव मती ले, साहब कई तो ले ही, लेकिन बाबू वाली समस्या बहुत भयानक, बाबू झेल न पाऊ। कर्नल साहब कहे अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पिता राजी हो जाए तो तैयार हो जाओगे ना? ठीक है साहब, बाबू को पहले मना ले, नंबर मिलाओ तुरंत, 1 2 3 4 5 जमन जमन रहे, कुल मिलाऊला घंटी बजल पिलीलिक पिलीलिक, कैसे कुछ ना घंटी बजल, बाबू बुढ़ाऊ फोन उठाऊ, बाबू बुढ़ाऊ दोनों जने मिले, मतलब बुढ़ापा भगवान। हेलो हेलो, हाँ बाबू जी प्रणाम, अरे मनोज बोला था, मनोज प्रणाम बाबू जी, खुश रहो बेटा। अब आगे के बात बेचारा कैसे निकाले, ओकर बाबू बड़ा जोर करिया हुआ, अब सोचत बा कि निकालब तो बाबू फट दे नगरिया दे, कैसा से सैकड़ा नाखी गरिया है, सोचत सोचत कहत बाबू कैसे आया? अरे ठीक है बचवा, और होता हुआ पिकअप बनावा था का होत बा, ठीक बा बच्ची के मुंह दबाए गई बा, अच्छा अच्छा ठीक ए बाबू कह रहा हमार बियाह करे भी ना, कुछ लड़की उड़की कतब देखा कि नहीं? हां ना देखो तो वही देखी आप, अब बेचारा दम बनावो था, अब बनौले के बाद कहे बाबू बुरा मत माना, तब कही गरी आया मत, तब गरिया उबा तो ना बेचा ना गरिया उबा, आज मन नहीं गरिया भग, बोल 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 आज ना गरिया। बाबू जम्मू में हम बियाह करत है, और लड़की मुसलमान ही है, अरे बाबू जब सुने ना तो कल तेरी मैया
चौले है। जाना थे ना हमने हिंदू है, हिंदू है ना, जात का ही रही कैसे गांव देश हुक्का पानी बंद कर दे, देश निकाला कर दे, और कहीं की अहिरे अहिराने में बिटिहनी नहीं मिली रही, मुसलमान में जाए के जो नहीं बिया कर ले बा, ये बेटवा तोरे हाथ जोड़ी थी का करते। अब मनोज कला देखा बाबू, अब कुछ ना जाने लड़की जम गई बा, आप बाबू कला का फोन काट फोन हमारे थे, अगर तय हमार बेटा है तो हम तोर बाप है। ए भैया 50 आखर करियो ना, आप बाबू भाजा थऊ है, देखा हो हां देखा बेटवा हमार, मीजा दबावा है, दूध भैंसी गार के दूध पियावा है, 4 बजे बोरैया में दौड़ावा है, खेत बारी गहन गुरिया धई के भर्ती फौज करावा हम, और आज जब हां दहेज लेक भ तब लव मैरिज तेरी मां हम हो ही न दे, तुरंत टिकट कटैला ट्रेन पकड़ला, अब पहुंचला जम्मू जैसे कोनो तूफान आई हो, भूकंप आई है, जब जम्मू पहुंचला तो बेटवा ले आई बा, अब बेटवा तो पहला ही कह पाता बापन अटैची बक्सा उठास बाबू चला, चले गए कैंप पर, कर्नल साहब से बात होने लगी, मास्टर तेरी कलाई लगत हो, फस गई दोनों जिंदगी, रहेंगे साथ साथ भगवान खुदा के बंदे, यही हो बंदे बंदे बंदे। कर्नल साहब ने कहा हम जान दे सकते हैं, आप एक रिश्ता नहीं कर सकते, मैं चाहता हूं कि वो अनाथ लड़की है, आपका बेटा उससे शादी कर ले, आप क्या कहते हैं? बाबू तुरंत उछड़ के दुई कदम लंबा, हे कर्नल साहब हमार बोटी बोटी निचोड़ी नहीं, लेकिन कहा हम अपन धर्म बर्बाद कर दे तो न कह पाऊ, कर्नल साहब कहे तो नहीं मानेंगे, नहीं साहब न मानब तो न मानब, मनोज के पिता इतना कहकर आगे कदम बढ़ा दिए, कर्नल साहब अपन टोपी उतरलन और उसके पिता के चरणों के पास रख दिए, जो ही पैर उठाते हैं मनोज के पिता पैर टोपी भी पड़ने वाली है, टोपी को उठाते हैं कर्नल साहब के सिर पर रखते हैं और कहते हैं सर मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप देश के लिए मिट सकते हैं, मर सकते हैं, मैं बेटे का ब्याह नहीं करा सकता, ठीक है सर तैयारी करिए, सजा है मड़वा, फौजी सब बराती बने, और जो शादीशुदा थे उनकी फैमिली थी वो लड़की की तरफ से हो गए, मंडप सदा शादी हुई, जब शादी हो गई तो अब मनोज यादव मैरिड वाला हो गया, शादीशुदा हो गया, अब उसे सरकारी क्वार्टर मिल गया, अब पत्नी और बाबू के लेके क्वार्टर में रखे बा, 4 दिन बीता तो बाबू को मुंह तो लटकई बे दहेज नहीं पाए है, बाबू कहां अब हम चलब घरे, मनोज कहे बाबू रुका दर्शन उर्शन कई लैसड़ो देवी के, तब जा बाबू कहे रहा बेटवा बहुत दर्शन कराया लाल, हम मक्का मदीना के दर्शन कर लिया, अब हमें कौनो दर्शन न चाहे बेटवा, मनोज कहे बाबू टिकट कटाई दे है कई ले, अब बाबू तो रही रही में सोचा था साला एक खीचर चक्का सोचे रहे ले भाई दहेज में 50 लाख रुपया ले भाई, न 50 तक 5 लाख तो ले भाई कर, कुछ पढ़ाईयक तो पढ़ाईयक तो निकारी ले, सब चूल्हे भट्ठे चल चलो चल बैठा उठा रहने जाई कह गया, ट्रेन पे बैठे बाबू दर्शन के हम फिर आया, फिर वो टिकट कटाया, तब उनके घरे का ट्रेन पकड़ाया, ट्रेन गई बाबू गए, अब अरमान और मनोज यादव की जिंदगी पति पत्नी की तरह बीतने लगी, धीरे धीरे कई महीना बीता, महीना छोड़ दीजिए 2 साल बीत गया शादी को, पति पत्नी की तरह जीने लगे, मगर बाबू समय बीतते बीतते अरमान के कोख से एक नन्हे से बच्चे का जन्म हो गया, नाम क्या पड़ा उस बच्चे का नाम है दीपक यादव, बच्चे का नाम दीपक यादव, लालन पालन हो रहा है, मगर बारे भगवान भगवान को खुशियां नहीं मंजूर थी, समय ने करवट लिया, कहानी मोड़ लेती है, मनोज यादव का ट्रांसफर हो गया,
ट्रांसफर होकर गया कहा बाबू बाघा बॉर्डर पर। बाघा बॉर्डर है कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मेन बॉर्डर है बाघा बॉर्डर। ड्यूटी लग गई, सरकारी क्वार्टर में परिवार को रखा है, रोजाना ड्यूटी देने जाता था, मगर एक दिन रात का वक्त है, ड्यूटी पर निकला है, बाहर निकलकर पत्नी को आवाज दिया, अरमान ड्यूटी पर जा रहा हूँ रे, खिड़की बंद कर लेना, दरवाजा बंद कर लेना, कोई भी आए मेरा नाम ही क्यों ना ले, दरवाजा मत खोलना, और हाँ अरमान सुबह में चाय बना के रखना, तेरे हाथों की बनी चाय पीऊंगा तो दिन का शुरुआत होगा। एक हाथ में एक छप्पन है सरजी, एक हाथ में एक छप्पन, एक हाथ में टॉर्च है, लेकर चला है सरहद के बॉर्डर पर ड्यूटी करने, ड्यूटी दे रहा है। मास्टर भाव बदल गया, तो हके चढ़ाई तर्ज को छोड़ दीजिए बाबू। एक दुर्घटना घटी कहां, सीमा पर, रात का वक्त है, ड्यूटी दे रहा है, टॉर्च जलाया है ए भैया, मगर अचानक एक आवाज आई है उसके कान में गई है, पहली बार आवाज आई तो अनदेखा कर दिया, दूसरी बार आई अनदेखा कर दिया, तीसरी बार आई तो चकपका कर चारों तरफ ताका है, कुछ नजर नहीं आया, चौथी बार आवाज आई, गरज कर बोला है जवान, कौन है, कौन है, जो भी है सीधे से बाहर आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा, अगर मुझे खोज कर निकालना पड़ेगा तो मुंह में बंदूक डालकर मारूंगा, वरना बाहर आ जाओ। वो जवान समझदार तो बहुत था, लेकिन उससे एक गलती हो गई बाबू, और वही गलती उसकी जिंदगी को कितनी बड़ी खतरे में डालती है। गलती क्या कर दिया, गलती ये कर दिया कि जैसे जैसे आवाज बढ़ती गई वैसे वैसे उस आवाज का वो जवान पीछा करता चला गया। हिंदुस्तान के फौजी बहुत कट्टर होते हैं, वो जीने मरने का नहीं डर देखते, वो ये सोचते हैं कि कोई भी हो दुश्मन तो दुश्मन होता है, मैं शहीद हो जाऊंगा मुझे देश पर गर्व होगा, लेकिन किसी गद्दार को आने नहीं दूंगा। जवान यही सब सोचकर आवाज का पीछा करता चला गया, अचानक उसके पाँव में कुछ लगा और जवान गिर पड़ा, एक एक छप्पन छूट गया, हाथ से टॉर्च गिरकर ढेंगन करके नीचे चली गई खाई में, लेकिन वो जवान बाबू फिर भी हार नहीं माना, उठा है और आवाज का पीछा करता सीना ताने चला जा रहा है, मगर कुछ देर के लिए वो हिंदुस्तान के बॉर्डर को छोड़कर पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवेश कर गया, और जब पाकिस्तान के सरहद में घुसा है तो चारों तरफ से पाकिस्तानी फौजियों ने दबोच लिया उसे, और पकड़ करके बाबू पाकिस्तान उठा ले गए। मगर मास्टर कहना पड़ा क्या, मनवा भरा मकई ला
भाई निहले पापी पापी सता दियो तहिया भूले ले बाप रे बाप जवान को पाकिस्तानी पाकिस्तान उठा ले गए। रात बीती सुबह हुआ सीमा पर खलबली मच गई। मनोज यादव गायब है, मनोज यादव का पता नहीं है, मनोज यादव को पाकिस्तानी पाकिस्तान उठा ले गए। मगर बाबू सवेरे का वक्त बा, अरमान चाय बना रही है और बच्चे को देख रही है, बेटा सो रहा है, जल्दी से चाय बना लेती हूँ, जग जाएगा तो चाय नहीं बनाने देगा, बहुत चिल्लाएगा। तमाम बातें सोच रही है, चाय बना रही है कि तब तक एक जवान गिरते पड़ते हाँपते हुए दौड़ कर गया। भाभी जान, अरमान भाभी, भाभी जान, दरवाजा खोलिए, भाभी जान दरवाजा खोलिए। दौड़ कर आई, घबरा कर दरवाजा खोली, देखती है तो मनोज का दोस्त। क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या हुआ भाईजान? भाभी आपके लिए बुरी खबर है। क्या, क्या हो गया भाभीजान? आपके सौहर मनोज यादव को पाकिस्तानी पाकिस्तान उठा ले गए हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है। अरमान के हाथ से चाय छूट गई, अरमान धरती पर गिर गई और अपने सिर पर हाथ रख कर कही, या मेरे मौला, या मेरे खुदा, जब जब खुशियां मेरे दामन में आती है तो मेरे खुशियों को मेरे दामन से छीन कर ले जाता है। पहले माँ बाप को छीन लिया, भाई को छीन लिया, अब एक सहारा मिला, मेरे पति को छीन लिया। कुछ भी हो जाए मैं इस बार लड़ूंगी, मैं अपने पति को पाकिस्तान से ला कर रहूंगी, मुझके इसीलिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। बाबूजी 6 महीने का उसका बच्चा है, गोद में उठाई है, गोद में उठा करके पेन वगैरह ले करके हर मंत्री हर नेता हर अधिकारी का दरवाजा खटखटाई है, लेकिन सबने क्या कहा जानते हो? ये मेरे हक में नहीं आता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नेता अधिकारी पर उड़ाता, अधिकारी मंत्री पर उड़ाता, मंत्री नेता पर उड़ाता, यही मचा था, पर उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। सबका दरवाजा खटखटा कर थक गई, अंत में पहुंची कहां, एयरपोर्ट पर। पढ़ी लिखी थी, फौजी की बीवी थी, एयरपोर्ट पर पहुंची, अपने गहने को पहले से गिरवी रखती है, गहने को बेच करके गिरवी रख करके पासपोर्ट बनवाई है। पासपोर्ट बनवा करके बाबू तैयारी करती है हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने की। मास्टर कहानी यहाँ से मोड़ ले रही है, बिरहा आखिरी हो गई बा मास्टर, कैसे बारे भैया।
पाकिस्तान में, पाकिस्तान में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, पाकिस्तान में दर दर भटक रही है, पति का पता ठिकान पूछ रही है, मगर जब परिचय हो तब तो कोई बताए। पाकिट में एक पैसा नहीं है। धीरे धीरे 5 दिन बीत गया। पाकिस्तान में दर दर की ठोकर खा रही है, मगर पंचो हमारा हिंदुस्तान लाख दर्जे है। हिंदुस्तान के वातावरण में, पाकिस्तान के वातावरण में, हिंदुस्तान के क्लाइमेट में और पाकिस्तान के क्लाइमेट में बहुत अंतर है। 6 महीने का बच्चा पाकिस्तान के वातावरण को, पाकिस्तान के क्लाइमेट को झेल नहीं सका, बर्दाश्त नहीं कर पाया, अचानक बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया कि उसकी सांस कभी रुक जाती, कभी चलने लगती। अरमान घबरा गई कि कहीं तो बेटा है, पति जेल में, पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं है, बच्चे को कुछ हो जाएगा तो पति को ढूंढूंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी, या मेरे मौला, या मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं क्या करूं, पैसे भी नहीं है कि बच्चे का इलाज करवा लूं। एक बुजुर्ग से पूछी कि दादा यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल है, तो बुजुर्ग ने बताया बेटी यहाँ से सीधे जाकर दाएं घूम जाना, एक सरकारी अस्पताल है, बड़ी लंबी लाइन लगी होगी, दौड़ कर गई है बाबू, दुनिया में हर कर्ज अदा कर सकते हो, माता पिता का कर्जा कोई नहीं अदा कर सकता, बेटा लाख नालायक निकल जाए लेकिन माँ बाप के दिल से जब भी कोई बात निकलेगी तो उनके लिए बुरा नहीं निकलेगी, दुआ ही निकलती है। अरमान दौड़ कर गई अस्पताल में, देखी लंबी लाइन लगी है, लाइन में लग गई, तमाम बातें सोच रही है, बेटे को कुछ ना हो, पति मिल जाए तो पति और बच्चा लेकर हिंदुस्तान चली जाऊं, कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं कैसे पति को ढूंढ पाऊंगी। सोचते सोचते नंबर आ गया, सामने एक जवान बैठा है, पाकिस्तानी जवान बैठा है, पर्ची काट रहा है। ए लड़की, ए लड़की, किसको दवा देना है? इस बच्चे को साहब। मरीज का नाम दीपक यादव, मरीज की माता का नाम अरमान। तब तो जवान कनमनी ताकत, अरे मरीज का नाम दीपक यादव और मरीज की माई का नाम अरमान, ठीक है, मरीज के बाप का नाम मनोज यादव। तब तब भैया वो पेनिया ही रखी दे, अब पेन को नीचे रख कर बोला है लड़की इसका मतलब तू मुसलमान है, हिंदू से शादी की है, शर्म नहीं आई तुझे, मुसलमानों के नाम पर कलंक है तू, तूने एक हिंदू से शादी किया है, अब मुझे लगता है कि तू मेरे पाकिस्तान की नहीं है, कौन है तू? अब जब तक सच्चाई नहीं बता देगी ना तो पर्ची काटूंगा ना तो दवा लेने दूंगा। अरमान बच्चे को छाती से लगाई है, बच्चा बेटा बुखार में तप रहा है, उसकी जान अब निकल जाए कि तब निकल जाए। अरमान घबराई हुई, साहब जवन पूछब तवन बताई दे, बस एक बार हमारे बेटवा के एक खुराक दवाई पीवा दे, बस रहम करिए हुजूर, एक खुराक दवाई मेरे बेटे की जिंदगी बचा लेगा। दांत कर बोला काला सांड जैसा वह जवान, आ लड़की मूर्ख बनाती है, जब तक हकीकत नहीं बताएगी मैं ना पर्ची काटूंगा ना किसी डॉक्टर को दवा देने दूंगा। डर गई अरमान, बेटे को दुपट्टा बिछा कर जमीन में लेटाई है, डांट कर बोली रे तू मूर्ख है, तू पागल है, तेरे अंदर दया नहीं है, तेरे अंदर दिल नहीं है, लगता है तू बाप नहीं बना है, तेरी कोई संतान नहीं है, संतान होता तो तू मेरी दर्द समझता, मेरा बेटा जिंदगी मौत से लड़ रहा है, मैं तुझसे विनती कर रही हूँ कि ज्यादा नहीं एक खुराक दवा मेरे बच्चे को पिलवा दो। तू कह रहा है हकीकत बताओगी तब पिलवाऊंगा, ठीक है मैं बताऊंगी। अरमान कहीं मेरा बेटा अगर खुदा ने उसके नसीब में जिंदगी लिखा होगा तो वो जिएगा, मरना ही लिखा होगा तो आज मर जाएगा, लेकिन मेरा बेटा मरे या जिए तुझे हकीकत आज बता करके रहूंगी। ए भैया
अरमान अपनी कहानी को बताना शुरू करती है पाकिस्तान की धरती पर। कैसे मास्टर? वह तर्जबा नारी के करना भारत बोली के करना बड़ा करी बोली गैले जोगिया हो राजा पाठ दिहले सब विसा जंगली भाई ने और भी कहा कि इनकर सब का लहर जब से ये सभी आई गई कुले हर हर हुई गई जब बैलेंस हो गया। जब से लड़कियां बिरहा गावे लगी, जब से लड़कियां बिरहा गाने लगी, तब से इनका समक जुगाड़ रही है। बिरहा तरक्की कर गया है, नहीं तो करताल धरे धरे मुरझाई गई हूँ। एक बात जान, इस समय बिरहा तरक्की पर है। ए भैया भाव पर गौर करेंगे। छाती पीट कर पाकिस्तान के अस्पताल में रो रही है एक अकेली हिंदुस्तान की लड़की। मरीज जुट कर देख रहे हैं, आंख से झर 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 आंसू गिर रहा। कही क्या मास्टर? जतिया धारा बाबा छूटा ले पाप शुरू करती है। जतिया धारा बाबा छूटा ले पाप महतारी छूटा ले भवनवा भई हमार हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान में गुजरात आता है जानता है, गुजरात में गोधरा है जानता है, सरहिला रहा है जानता हूँ। हाल ही में सुना मैं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसी गोधरा में हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ा, मेरी शादी थी मैं उतार दी। जम्मू में जान देने जा रही थी मगर एक सहारा मिल गया। क्या सहारा मिला? धारा पीछे डूबत रहली मोरा जीवन, धारा पीछे डूबत रहली मोरा जीवन मैया हो मोरा बनल मनोज खेलन बाप रोक कही जान देने जा रही थी मगर मनोज यादव नाम का एक फौजी मेरी जान बचाया। तो मैंने सोचा इसने जान बचाई इसी को अपने जिंदगी का मालिक बना लेती हूँ। अब तू बता जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसे शादी कर ली वो हिंदू होकर नहीं हिचकिचाया, तू कौन होता है रे? मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। तो दवा नहीं देना चाहता, ठीक है दवा अपने पास रख। मैं आई कैसे? तेरे पाकिस्तान से मेरी खुशियां बर्बाद नहीं बर्दाश्त नहीं हुई। मेरा पति ड्यूटी दे रहा था बाघा बॉर्डर पर, तेरे पाकिस्तानी गद्दार नीच पापी मेरे पति को उठाकर तेरे पाकिस्तान ले आए। ये हिंदुस्तानी नारी एक बच्चे को लेकर तेरे पाकिस्तान में भटक रही है, पति को ढूंढ रही है, लेकिन न जाने मेरा पति किस हाल में होगा। या मेरे मौला या हिंदू धर्म के देवी देवता
आप जो कोई भी है मेरे पति को सही सलामत रखिएगा, जहाँ कहीं भी हो, पाकिस्तान को जवन डॉक्टर या मरी जवान हवन सुना था हुआ अखिया में आंसू आए गया। इतना कहकर वह लड़की अपना बच्चा उठाई, कहीं तेरा दवा नहीं चाहिए, जा रही हूँ लेकर। बाबू चार कदम गई है तब तक रोने की आवाज लड़की के कान में पड़ी है। पलट कर देखी तब बेंचवा पर बैठल उ पाकिस्तानिया रोवत हो, सिसक सिसक कर रो रहा है। जो पर्ची काट रहा था वही जवान रो रहा है। पलट कर आई है, तू क्यों रो रहा है, तेरा कौन खो गया, खोया तो मेरा, तूने तो मेरा मजाक उड़ाया, तू क्यों रो रहा है, मेरी इमोशन का मजाक उड़ा रहा है या मेरी कहानी का मजाक उड़ा रहा है। खड़ा हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, बेंच के बगल से आया है, बच्चे को लेता है, उसके माथे को चूमा है, बेंच पर लिटा देता है और उस लड़की के पैर पर गिर जाता है। दोनों गुड़वा पकड़ के मथवा सटाई के रोवे लगल, फूट फूट कर रोवत हो। बार बार लड़की कहती है, क्यों रो रहा है, छोड़ मुझे, छोड़ मेरा पैर, क्यों रो रहा है, तेरा मेरा क्या नाता है, क्यों रो रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, वैसे ही मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, छोड़ मेरा पैर, मुझे जाने दे। इतने में कहता है, दीदी ए दीदी अरमान का तू हमके भूल गयो, दीदी अरमान का तू हमके भूला गयलू, याद करा जब अब्बू जान अम्मी जान हमके मारे बदे दौड़ाव, अब्बू अम्मी के डंडी का मार अपने पीठी पर तू लेत रहलू, अपने हाथे से खाना हमके तू खियावत रहलू। ए दीदी जिस महफूज अली की बात तू कर रही थी वो महफूज अली कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। दीदी एक बार अल्लाह का वास्ता है तुझे, एक बार मुझे अपने गले से लगा ले रे दीदी, एक बार मुझे अपने गले से लगा ले रे दीदी, सच कहता हूँ। डर कर वाली लड़की बंद कर नाटक, तेरी बातों में नहीं आने वाली हूँ मैं, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई कहाँ बिछड़ा था, तू मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा रास्ता छोड़ में जा रही हूँ। खड़ा हो गया, बहनिया की छाती से लपटाए के कलश, दीदी अम्मी भी जिंदा है, अब्बू भी जिंदा है, अम्मी अब्बू की कसम, उस अल्लाह की कसम, तेरा भाई महफूज अली मैं ही हूँ, एक बार गले से लगा लो दीदी, तुझे महसूस हो जाएगा कि मैं ही तेरा भाई हूँ। खुदा कसम जब खाया है तो अरमान उसे छाती से लगाई बाबू, उसके माथे को चूमी है, दोनों भाई बहन गले से मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। उस सरकारी अस्पताल में देखने वालों के आंख से आंसू गिरने लगा। ए भैया जवान दौड़ कर गया, पर्ची काटा, दवा लिया, अपने भांजे को खिलाया, कहा दीदी तू चिंता मत कर, तेरे पति को मैं ढूंढूंगा। बच्चा लिया और पहुंच गया घर पर, आवाज लगाया, अम्मी जान, अब्बू जान, देखिए मैं किसको लाया हूँ, अब्बू जान बाहर निकलिए, देखिए मैं किसको लाया हूँ, अब्बू जान आज आप लोग मुझे मारेंगे नहीं, मेरी पीठ को थपथपाएंगे, बाहर आए अम्मी जान, अब्बू जान बाहर आइए। दोनों पति पत्नी जब बाहर आते हैं, सामने महफूज अली है, पीछे बहन खड़ी है। जब माँ बाप आते हैं तो महफूज अली बगल हो जाता है, जब बगल होता है तो सामने अरमान खड़ी है, गोद में बच्चा है, माँ बाप बर्दाश्त नहीं किए बाबू, दौड़ कर गए अरमान को छाती से लगाकर। हुसैन अली नूर जहां रोने लगे कि बेटी तू जिंदा है, हमने तो आशा ही छोड़ दिया था कि मेरी बेटी अरमान अब इस दुनिया में कहीं जिंदा भी होगी, मेरी बेटी अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया कि तू हमें जिंदा मिल गई, मेरी बच्ची तू ठीक तो है,
कभो बाप बिटिया के चूमे, कभो महतारी चूमे, जैसे बिटिया के जिंदगी पहली बार देखले हो गए। बेटी के चूमत हुआ बेटा सारी बात बताया है। हुसैन अली कहा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मुझे हिंदू जात पर आज नाज है, हिंदू धर्म पर गर्व है, तेरे पति को हम मिलकर ढूंढेंगे। ए भैया वही मनोज यादव का पता लगाना शुरू कर देते हैं। आल्हा के लाइन में कहना भैया का अरमान के बारे भैया, अरमान ढूंढा पति के बन के पवरिया बाबू, लागे नहीं का नहीं पति के पतवरे ठकाल, भरती दूतावा बाबूजी की तरफ से, गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद मिला, 100 रुपए का पुरस्कार, चरणों में प्रणाम, नमस्कार बाबा। भारतीय दूतावास से चार दिन ढूंढी नहीं पाई, तब जाकर पहुंची कहां, पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय दूतावास है, पहुंच गई बच्चा और भाई बाप के साथ। भारतीय दूतावास वालों से चरौरी विनती कैलस तो भारतीय दूतावास वाले पता लगाते हैं और पता करके बताते हैं कि बहन आपके पति मनोज यादव इसी पाकिस्तान में है, मगर बड़ी बुरी अवस्था में है, कराची के जेल में है, कराची के जेल में है, और आप उन्हें बचा नहीं सकती क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्हें सजाए मौत होने वाली है, उन्हें मौत की सजा सुनाने वाले हैं जज साहब, आप कुछ नहीं कर सकती। अरमान दूतावास वालों का पैर पकड़ कर कही भैया अगर बहन कहा है तो एक काम कर दीजिए, जो जज मेरे पति को सजा सुनाने वाला है एक बार उसका दर पता दे दीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। भारतीय दूतावास वालों ने जज साहब का दर पता दिया, सवेरे का टाइम बा, अरमान दर पता लेकर खोजते हुए बाबू पहुंच गई कहां मास्टर, मनोज का मुकदमा देखकर रहा नूरह समय बाबू, जवाल कुर्सी पवले रहल सिरमान, अरमान पहुंच गई, अरमान पहुंच गई जज के भवन वाले दादा, रोई रोई आपन सुनावा दास्तान, पहुंच गई जज साहब के बंगले पर, जज साहब बाहर निकले हैं, कुर्सी पर बैठा है और सामने चाय है, चाय का प्याला लेकर एक पहली चुस्की लिए हैं, अखबार पर नजर मारे तब तक अरमान कही सलाम हुजूर, सलाम हुजूर, जज साहब की नजर पड़ी वालेकुम सलाम। कुछ देर बीत गया फिर जज साहब जब चाय पिए लगलन तब फिर कहलस हुजूर सलाम, जज साहब कहने मैंने भी कह दिया वालेकुम सलाम, जाओ जाओ। अरमान बैठ गई, कैसे जाई साहब, हमार जिंदगी तो तोरे मुट्ठी में बा, तोरे हाथे में बा, हम जाब तो हमार जिंदगी हाथ से छूट जाए, तो मैं जाऊं तो कैसे जाऊं हुजूर,
जैसे साहब कनमनैला है, ये कौन लड़की है, कहाँ से बात कर रही है? ए लड़की जरा कहाँ से आई है, कौन है तू? मेरा नाम अरमान है, हिंदुस्तान से आई हूँ। जिस मनोज को आप 4 दिन में फांसी की सजा देने वाले हैं, उसकी पत्नी हूँ। जज साहब का आँखी बड़ी बड़ी, अरे ये मुसलमान है अब वो हिंदू है, इसके अंदर इतना हिम्मत कि हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान में आई है पति को बचाने के लिए। वाकई में हिंदुस्तानी नारियां यूं ही महान नहीं कही जाती। जज साहब कहे, ओ लड़की, मैंने सुना है तेरे हिंदुस्तान की नारियां पति के लिए, मर्यादा के लिए, देश के लिए मर मिट जाती है। अच्छा तू बता, तू अपने पति के लिए क्या कीमत चुकाएगी? अरमान कही, साहब जान प्राण ले ला, मगर मेरे सैया के छोड़ दा। जब साहब कहला, हमके तोर जान प्राण ना चाहिए, मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है, मैं तेरे पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई सजा नहीं, कोई मौत फांसी नहीं, तेरे पति को आजाद कर दूंगा, मगर मेरी शर्त ये है कि जब तेरे पति को छोड़ दूं तो तू वापस हिंदुस्तान नहीं जाएगी, तू मेरे इसी पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में, मेरे मुल्क की निवासी बनकर पति और बच्चे के साथ रहेगी। जब इतनी बात सुन ला तो 2 कदम पीछे गई, आज बबूला हुई है लड़की, डांट कर बोली, बाज साहब बा, आम दोगलों की तरह आप भी निकल गए। सही कहते हैं, हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तानियों की आंखों में दर्द नहीं है, मैंने देख लिया, मेरा फायदा उठा रहे हैं, मैं समय की बारी, ठीक है आपका फैसला है कि आप मेरे पति को छोड़ेंगे तो मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगी, इससे अच्छा है आप मेरे पति को छोड़िए ही मत, मैं आपके पाकिस्तान से जा रही हूँ, लेकिन मेरा भी फैसला सुन लीजिए। आखिरी लाइन में कह रहा, मैं भारत के कब्रिस्तान को पसंद कर लूंगी, इंडिया के कब्रिस्तान में मर जाऊंगी, मगर आपके हैं पाकिस्तान की निवासी नहीं बनूंगी, नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ, मेरे पति को छोड़िए या मत छोड़िए, पर एक बात की निवेदन है, मेरे पति, जब मेरा पति मर जाए, वो हिंदू है, हिंदू धर्म के मुताबिक ही उसका अंतिम संस्कार करना। इतना कहकर उसके आंसू गिर पड़ते हैं। बाबू बच्चे को लेकर 4 कदम गई है, जस साहब का माथा ठनका, थोड़े बाप रे, बड़ी मेहरारू भेटैली, बड़ी लड़की भेटैली, लेकिन ये करे हेठे, बड़ा हौसला हो करे अंदर। जस साहब आवाज लगाते हैं, अरे ओ अरमान ठहरो, कदम रोकती है, क्यों जस साहब, क्या बाकी है, आपने तो फैसला सुना दिया। जस साहब उसके करीब गए, बोले बेटी अरमान, अरमान कही, अब तो बेटी हो गई मैं, क्यों, क्या कारण है? सुनो बेटी अरमान, कभी कभी तुरंत कर लिया गया फैसला भी बदलना पड़ता है, सुनो मेरी बात, तेरे पति को छोड़ दूंगा, तेरा परीक्षा ले रहा था तो पास हो गई, तेरे पति को छोड़ूंगा, लेकिन हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान है, 6 महीने का टाइम लगेगा, इंतजार कर सकती है? कहा साहब,
चार छह साल इंतजार करा, मगर हमारे सैया के छोड़ दो, ठीक है। पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी मनोज यादव की होने लगी। अंत में छठे महीने में मनोज यादव बाइज्जत सम्मान के साथ उसे बरी किया गया, जेल से आजाद किया गया। और जब जेल से आजाद भयल तो देखता है सामने पत्नी खड़ी है, गोद में बच्चा है, एक तरफ छा फिटा जवान खड़ा है, एक तरफ बुढ़िया बुढ़वा। मनोज यादव कहला, अरे अरमान है तोर नया रिश्तेदार कहाँ से पैदा भइल रे? तो मुस्कुरा कर कही, सैया जो मेरा परिवार बिछड़ा था यही मेरा परिवार है। अरे पर वो हिंदुस्तान में बिछड़ा था, पाकिस्तान कैसे पहुंचा? तो हुसैन अली कहा, भागते भागते हम लोग बॉर्डर पर पहुंचे। हमारी जान जाने वाली थी, हमें घुसपैठिया समझकर लोग जान लेने वाले थे, मगर रहमत इस बात पर आ गई कि हम जाति के मुसलमान पड़ गए, वरना हम इस संसार में जिंदा नहीं होते। इस सरहद में आ गए, मुसलमान थे, थोड़ी सी जगह मिल गई, यही जिंदगी काटने लगे और इन्हीं में जीवन बीतने लगा। ए भैया, तब मनोज यादव कहा, चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ, मेरे साथ मेरे हिंदुस्तान चलिए। तब हुसैन अली कहलो, नहीं बेटा, अब तू पाकिस्तान की अपन ससुरारी समझा और हिंदुस्तान को अपना घर समझना। हिंदुस्तान मेरी बेटी का ससुराल है, पाकिस्तान मायका, हिंदुस्तान तेरा घर, पाकिस्तान तेरा ससुराल। तब तब मनोज यादव छाती चौड़ी कहलो, कहलो ठीक बा ससुर जी, अब हमके जाए तो विदाई उदाई करो। विदा विदाई भई, अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वापस आ गई। मनोज यादव को ड्यूटी से छुट्टी मिली कि मनोज यादव ठीक हो जाए, घाव भर जाए, तब आप ड्यूटी को ज्वाइन कर लेना। आप देखिए, हिंदुस्तान नारियों में वाकई में एक अजीब एनर्जी होती है। हिंदुस्तानी नारियां वहां यूं ही महान नहीं कही जाती, एक नारी ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। अंतिम लाइन में कहना भैया, जय जखाल गुरु जतु लोटन की लहरे फुलवारी।